أتدري من يزيل الهم إن ضاقت السلام بك عليكم ورحمة الدنيا. الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने दोबारा हमें ये मौका दिया कि हम इस रमज़ान के महीने को उसकी रज़ा के लिए इस्तेमाल करें और उससे खूब खूब नेकियां हासिल करें और उन गुनाहों को अपने आप से पाक कर दें जो हम पूरा साल करते आए हैं। हमें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद पर सहाबा कराम को भी याद दहानी करवाते थे ताकि सहाबा कराम उससे और ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे पास रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हें ढांप लेते हैं, गुनाह माफ़ कर देते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ को देखते हैं। तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं, बस तुम भी अपनी तरफ से अल्लाह ताला को भलाई दिखाओ, यानी इस महीने में खूब खूब नेकियां कमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नहायत बदबख्त है वो इंसान, यानी वो बर्बाद हुआ वो इंसान जो अल्लाह ताला की रहमत से इस महीने में महरूम रहा। इस महीने को शहरुल मवासात भी कहा जाता है और इस कुरान की नाजिल करने की भी बहुत अहमियत है। इसमें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक कौन हो सकता है? आप देखें, हर जगह रमज़ान के महीने में रहमत ही रहमत होती है, हर जगह भलाइयाँ ही होती हैं। हम देखते हैं कि गुनाह मुश्किल हो जाते हैं और जो नेकियाँ हैं वो आसान हो जाती हैं, लेकिन इसकी मुस्तहिक कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला ने हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें बताया कि रहमत होती है हर जगह? तो रहमत का वही मुस्तहिक है जो वाकई ये रहमत अवेल करना चाहता हो, जो वाकई ये चाहता हो कि वो अल्लाह ताला को राज़ी करे और उसको खुश करे। अगर जो बंदा उसी तरह रमज़ान को गुजारे जिस तरह से उसने पूरे साल को गुजारा, अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारा और गुनाह करते करते गुजारा, तो वो शख्स फिर इसी बदबख्ती का के लायक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की पहली रात ही शयातीन और सर्कस जिन जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जिनमें से कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिनमें से कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहता। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्कस जिन जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और जहन्नुम के जो दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिन हमें पूरा साल तंग करते थे वो अब हमें इस बार तंग नहीं करेंगे, लेकिन जो गुनाह हम करते हैं वो हमारी आदत की वजह से और हमारे नफ्स की वजह से, क्योंकि हमारा नफ्स गुनाह के इतना आदी हो जाता है कि फिर रमज़ान भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। और जन्नत के दरवाजे खोल देने का मतलब ये है कि नेकियां आम हो जाती हैं, नेकी करना आसान हो जाता है। लेकिन आप उस शख्स की हालत को देखें जो रमज़ान के महीने में भी वही गुनाह करता जाता है जो उसने पूरे साल किए थे, क्या वो शख्स रहमत का मुस्तहिक हो सकता है? तो फिर हम रमज़ान के महीने में शैतान को ब्लेम नहीं किया कर सकते। ये सरासर हमारी गलती होती है कि हमने अपने नफ्स को गुनाह के इतना आदि कर लिया होता है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। इस रमज़ान हमें अपने साथ ये अहद करना चाहिए कि हम इस बार नेकियों को बढ़ाएंगे और उन गुनाह से छुटकारा पाएंगे जो हम पूरा साल करते आए हैं। नेकी आम करना और बुराई जो है वो मुश्किल होना, ये रमज़ान की सबसे बड़ी रहमत है, यही अल्लाह ताला की रहमत है। क्योंकि पूरा साल हम ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह ताला को कैसे खुश करें, ये एक ट्रेनिंग दी जा रही होती है उसके लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो रमज़ान का महीना
एज अ ट्रेनिंग ले, ये एक ट्रेनिंग है हमारे लिए कि हम पूरा साल अल्लाह ताला की अतात में कैसे गुजारे और रमजान को उस तरह गुजारे जिस तरह अल्लाह ताला ने हमसे मतलूब किया है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, रमजान में मेरी उम्मत को 5 ऐसी खसूसियात दी गई हैं जो इससे पहले किसी और उम्मत को नहीं दी गई। रोजादार की मुंह की दिसान अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पाकीजा है, ये रोजादार की फजीलत है। उनके लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं जब तक कि वो रोजादार अफ्तार कर ले। आप देखें कि हम पूरा दिन अल्लाह ताला की अतात में गुजार रहे होते हैं, कम से कम 14 या 17 घंटे होते हैं जो हम रोजे की हालत में होते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अल्लाह ताला के अतात के मुताबिक ही जा रहे हों जिस तरह ही अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, क्योंकि इंसान गलतियां करता है तो कुछ गलतियां इंसान से हो जाती हैं। तो उसी के कॉम्पनसेट करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए जो उन रोजेदारों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए हर रोज जन्नत सजाते हैं और फरमाते हैं कि हो सकता है कि मेरे बंदे अपने आप से मशक्क़त और तकलीफ उतार कर इसकी तरफ आ जाएं। यानी जन्नत हर रोज सजाई जाती है किसके लिए, जो रोजे में अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करता हो। वो बंदा नहीं जो पूरा दिन सोता हो और फिर सिर्फ सहरी के लिए उठे और फिर अफ्तारी के लिए उठे, और ना उसको नमाज की टेंशन हो, ना उसको तिलावत की टेंशन हो, ना उसको कोई दुआ की टेंशन हो, ना अज़कार की टेंशन हो, ये लोग फिर रहमत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुआ पर आमीन कहा, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बदबख्त और बर्बाद हुआ वो शख्स जिसको रमजान का महीना मुयसर हुआ और उसने उससे फायदा नहीं उठाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। रोजे में हमें जिस्मानी सेहत भी मिलती है। आप देखें हम पूरा साल टॉक्सिक चीज़ें खा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, फिर रोज़े का महीना आता है जो हम जिसमें हम अपने जिस्म की भी सफाई कर रहे होते हैं, रूहानी सफाई के साथ साथ जिस्म की भी सफाई हो रही होती है। आखिरत के एतबार से भी रोज़ा बहुत ही अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा जहन्नम से ढाल है जिस तरह तुम्हें लड़ाई में बचाने वाली ढाल होती है, जिस तरह शील्ड नहीं होता जो आपको दुश्मन के वार से बचाती है, इसी तरह रोज़ा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए ये इनाम रखा है कि वो रोज़ा उसको जहन्नम की आग से बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है और उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला रोजेदार को इतना पसंद करता है, असल मानों में जो रोजा रखे, जो सिर्फ अपने खाने पीने पर तवज्जो ना दे के वो खाना पीना ही बंद कर दे, साथ में अपने नफ्स को भी साफ करता रहे, तो उस शख्स के लिए अल्लाह ताला ने अलग से एक दरवाजा रखा है जन्नत में कि जिससे वो दाखिल होगा, और वो क्या है, बाबुर रैयान। अब इन रोजों की बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम और जो फराइज हैं उनसे हम दस्तबरदार ना हो। ये ना हो कि हम रोजे ही रखें और नमाज हम भूल जाएं। हम कहते हैं कि हम ये ना कहें कि रमजान का महीना है, रोजे ही रखो, नमाज की क्या अहमियत। तो आप ये याद रखें कि अरकान इस्लाम में सबसे पहला रुकन कलमा तैयबा, उसके बाद नमाज है, फिर रोजा आता है। तो पहले एक फर्ज जरूर पूरा करें और उसके बाद दूसरा फर्ज पूरा करें। नमाज की अदायगी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है, और इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक बताया। तो नमाज को रेगुलर कर लें, और ये आपके लिए एक गोल्डन मौका इसलिए भी है कि अगर आप नमाज में रेगुलर नहीं है और आप नमाज की में कोताहियां करते हैं, कभी कभी कजा हो जाती है या कभी लेट हो जाती है, तो ये आप इस पूरे महीने को रमजान के अपने लिए एक गोल्डन मौका जाने, और फिर इसमें अपनी नमाजों को बेहतर कर दें। वक्त पर नमाज पढ़ें, पूरी नमाज पढ़ें, सुन्नत साथ में पढ़ें, बगैर किसी उजर के नमाज को कम ना करें, और पूरी अच्छे तरीके से जिस तरह उसका हक है उसका हक अदा करें। फर्ज नमाज के साथ साथ रात की नमाज का भी बहुत अहमियत है।
तहज्जुद की नमाज हो गई और साथ में तरावी की नमाज, क्योंकि तरावी जो है सिर्फ रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तहज्जुद गुजारों की सिफत बयान की, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिउ वयदउन रब्बहुम खौफन व तमअ, कि उनके पहलू उनके बिस्तर से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। असजदा आयत नंबर 16। सहरी के औकात में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। सहरी वैसे भी उसमें बरकत डाल दी गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से वाज़े होता है, और इस्तिग़फ़ार जो है उसमें कसर से किया करें। कुछ औरतें होती हैं उनको वो कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता तहज्जुद का, तो आप उससे पहले एक 15 मिनट का टाइम ही निकाल दें और उससे फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों की सिफत बयान की है कि वह बिल असहारी हम यस्तग़फिरून, कि वह सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़्नबतुहु व अतूबु इलैक, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत से अज़कार हमें इस्तग़फ़ार के लिए मिलते हैं, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को खुश करें। सदका और खैरात भी बहुत ज़्यादा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो रमज़ान के महीने में जिस तरह हवाएं उड़ती हैं उस तरह की स्पीड से, उस तरह की रफ्तार से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौरा भी करते थे हर रमज़ान में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले का जो रमज़ान था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार दौरा कुरान किया, तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान की कितनी अहमियत है इस रमज़ान के महीने में। कुरान की तिलावत को आम करें और अल्लाह ताला से रुजू करें जो गुनाह हमने किए हैं, और इसको एज अ ट्रेनिंग लें ताकि हम इस ट्रेनिंग से फिर अल्लाह ताला को पूरे साल राज़ी करते रहें, क्योंकि 25 से 30 दिन लगते हैं इंसान को एक आदत अपनाने में, और एक अच्छी आदत, अगर आपकी एक अच्छी आदत पक्की हो गई तो ये आपके लिए कामयाबी का सबब है। इसका मतलब है कि आपने रोज़े से और रमज़ान से बेहतरीन चीज़ सीखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू रोज़ा रखे तो तुम्हारी आंख और कान का भी रोज़ा होना चाहिए और ज़ुबान पर भी काबू होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि इंसान जो है वो सिर्फ रोज़ा इसलिए ना रखे कि वो खाना पीना बंद कर दे, ये भी ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला के आलिमुल गैब का आप सबूत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, और रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान वाहिद चीज़ है जो छुपी रहती है। किसी इंसान को नहीं पता होता कि आपने पूरे दिन में आपने छुप कर क्या खाया क्या नहीं खाया, और ये आपकी मर्जी होती है कि आप अल्लाह ताला से डर कर अपने नफ्स पर काबू रखें या फिर आप अपने नफ्स को इस तरह छोड़ दें और अल्लाह ताला को नाराज कर दें। तो खाने पीने के साथ साथ हमें ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम गीबत, चुगली, कान से जो सुनने वाले गुनाह हैं कौन से हैं, म्यूज़िक सुनना, किसी की बुराई सुनना, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर सकती हैं। तो रोज़े का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसी चीज़ों से भी बचें जो कि अल्लाह ताला को नाराज़ करती है, और रोज़े का असल माना तभी होता है। ज़ुबान का इस्तेमाल भी कंट्रोल्ड किया करें, अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा इंसान को आ जाता है लेकिन उसको काबू करना हमारे हाथ में होता है, तो ज़ुबान पर काबू रखना, किसी को गाली ना देना, किसी की बुराई ना करना, आंखों से किसी ऐसी चीज़ को ना देखना, कोई ऐसे गुनाह वाले काम ना देखना जो कि इंसान को गुनाहगार कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ तक ही अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के महीने से भरपूर मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।